हे वंडरफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोजी। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शाओमी का सबसे पहला स्मार्ट वॉच जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था एक इवेंट पे। सो इसके बारे में मैं आपको सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो आप आखिर तक बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है गाइस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा और कौन सा नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिसेंटली शाओमी ने एक ग्रैंड इवेंट लगाया था जिसका नाम था स्मार्टर लिविंग। सो इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे। सो दीज वर द मच अवेटेड वंस अलोंग विद द अदर्स, बट ये इस पे फोकस ज्यादा था। सो वन वाज द MI Band 5 एंड द अदर वन वाज द वॉच, द स्मार्ट वॉच व्हिच दे वर टॉकिंग अबाउट फॉर क्वाइट सम टाइम। सो फाइनली दे रिवील्ड इट इन द इवेंट दैट हैपेंड ऑन 29th ऑफ सेप्टेम्बर, एंड दिस इज समथिंग द यूजर्स वर लुकिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो गाइस, वी ऑलरेडी नो दैट इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स अवेलेबल ग्लोबली। सो इवन शाओमी इज टारगेटिंग 40% ऑफ द मार्केट शेयर इन द कंट्री। सो यहाँ पे दे आर टारगेटिंग मोर बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ साथ शाओमी जो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो भी अच्छे से बिकता है, एंड यहाँ पे सेल्स काफ़ी ज़्यादा हुआ है एज पर द ट्रेंड्स। सो दे आर टारगेटिंग लाइक 40% ऑफ द मार्केट शेयर इन दिस कैटेगरी। सो दिस इज समथिंग दैट दे हैव बीन लुकिंग एट एंड दे हैव बीन रिसर्चिंग ऑन, इज वॉट आई अंडरस्टैंड। सो वील जम्प ऑन टू द स्पेसिफिकेशंस। सो वील स्टार्ट विद द स्क्रीन। So the screen is a circular 1.39 inch AMOLED screen, and it has got two crowns for navigation. So basically this is something which every watch in this category has. So ye kuch zyada different nahi hai, but yes, inhone ek gorilla glass add kar liya hai for the extra protection. So this is something they have done. Agar aap thoda rough and tough use karte ho to maybe this is a added benefit, because this adds on to your protection. So coming to the brightness, so this is like 450 nits. ये थोड़ा ज़्यादा है because this helps the user. अगर आप sun में हो तो you can easily look at the watch and read the notifications जो भी आपको आ रहे हैं. So this is a good thing that they have done. And इसका size एक standard है. So it comes with a 46mm frame, and इसका body है stainless steel. So ये थोड़ा premium design सा बनाए हैं so that एक class of audience या एक particular section of audience को target कर सकते हैं. And at the launch they have introduced 5 strap options. So basically these are the वो interchangeable होते हैं ना, वो सारे options में 5 colors as of now available हैं. So we'll dive in a little deeper to understand all other features क्या हैं. So we'll start with the number of faces that this watch is offering. So इसके बारे में जब हम बात करेंगे, so there are 110 face options available जो आप अपने फोन से भी चेंज कर सकते हो. सो दैट इज अ गुड थिंग बिकॉज अगर आप सेम चीज बार बार देखते हो तो यू गेट बोर्ड. सो दे हैव दीज 110, तो आप एक एक दिन एक एक चेंज करके थोड़ा इंटरेस्ट बना के रख सकते हो. सो इसमें GPS सपोर्ट भी है. सो अगर आपके कोई वर्कआउट ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो, इफ यू यूजिंग दिस फॉर एनी वर्कआउट मोड्स, तो दैट विल हेल्प इन ट्रैकिंग दैट. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड फीचर. सो टॉकिंग अबाउट द वाटर रेजिस्टेंस, सो yes, this is 5 ATM. So basically अगर आप swimming को जा रहे हो तो you can have this watch on, और इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, it won't affect the performance और ना ही ये खराब होगा. So this is a good option. And for connectivity it uses Bluetooth 5.0, so that is the latest one available in the market. So ये watch का highlight ये है guys कि this comes with the first beat motion algorithm जो इंडिया में है नहीं. This is the first watch to have it which would track your physical and mental condition. So this is something they were stressing on, and this is the highlight is what I understand. The software which the watch runs on is something jo Xiaomi ne develop kiya hai, and you can get notification, you can view notifications, but you cannot actually respond to this. So ye ek feature mujhe laga shayad if they could have, you know, provided that feature ki hum apne watch se hi apne notifications ko reply kar sakte hain, to that would have been great. But ye feature
एज ऑफ नाउ नहीं है, मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अपग्रेड करने पे हो सकता है, बट फॉर नाउ इट इज नॉट देयर। इसमें पीपीजी हार्ट रेट सेंसर भी है। बेसिकली व्हाट इट मींस दैट इट हैज एक्सेलरेशन सेंसर, जियो सेंसर, बैरासेप्टर, इट हैज गॉट एम्बियंट लाइट सेंसर एंड ऑब्वियसली गायरोस्कोप। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज अगर आप ये यूज कर रहे हो, इट विल हेल्प यू ट्रैक योर वर्कआउट्स, इट विल हेल्प यू ट्रैक योर स्लीप एंड ऑल्सो मेजर्स योर हार्ट रेट एंड इवन योर स्ट्रेस लेवल। सो बेसिकली जो फीचर्स आपको MI बैंड 5 में दिए हैं वो फीचर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। सो कमिंग टू द बैटरी, सो दिस वॉच इज इक्विप्ड विद 420 mAh बैटरी। सो बेसिकली इट वुड लास्ट अबाउट 15 डेज एज पर द कंपनी, बट जब आप नोटिफिकेशंस ऑन करते हो, हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन करते हो, आई थिंक थोड़ा कम होगा ही, बिकॉज दैट ऑलवेज ड्रेन्स आउट सम बैटरी फॉर श्योर। So this is something that they have been quoting, but I think in reality it might last up to 10 days, but agar aapko zyada aata hai to it's a good thing. And also according to them this would take about 150 minutes to actually charge hone ke liye. So charge complete 0 to 100% 150 minutes mein हो जाएगा एज पर द कंपनी, बट आई एम नॉट श्योर ये सही है, बिकॉज आप ऑब्वियसली जैसा आप यूज करते हो प्रोडक्ट थोड़ा बहुत कम होगा ही, बट द कंपनी क्लेम्स दैट इट्स गोना टेक 150 मिनट्स, सो इट इज 150 मिनट्स। सो कमिंग टू द प्राइस, सो द कंपनी इज कोटिंग 10,999, सो इट्स गोना कॉस्ट यू अबाउट 11,000, बट एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर अगर आप दिवाली से पहले खरीदते हो तो इट वुड कम ओनली फॉर 9,999। सो 9,999 में आपको ये प्रोडक्ट आ सकता है, बट अगेन दिस इज ऑफर्ड ओनली टिल दिवाली। सो अगर आप खरीदने का प्लान है तो दिवाली से पहले ले लीजिए, बिकॉज आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ पे। सो वॉट आर द ऑप्शन, सो बेसिकली देर आर टू ऑप्शन, वन इज मिडनाइट ब्लैक एंड द अदर वन इज सिल्वर क्रोम। सो बेसिकली जो डायल होगा दिस इज ऑफ ओनली टू कलर्स, बट येस दे आर मल्टीपल स्ट्रैप्स, आपको आपके हिसाब से आप खरीद सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो एंड यू कैन यू नो कस्टमाइज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो आप जानना चाहोगे ये कब अवेलेबल है मार्केट में आपको खरीदने के लिए, राइट गाइज? सो दिस इज गोना बी ऑन सेल फ्रॉम 6th of October, और अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप अपने विश लिस्ट में ऐड करके रख लीजिए, सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन एज सून एज दिस पॉप्स अप। सो गाइज दिस इज इट, आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल अभी के लिए, आई हैव गिवन यू द स्पेसिफिकेशंस, आई हैव गिवन यू द प्राइस, आई हैव गिवन यू व्हेन दिस इज अवेलेबल फॉर बाइंग सब कुछ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग और लाइक एंड कमेंट करके बताइए आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा और कौन सा नहीं। गाइस आई विल सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।